स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। आज हम एक मार्केट की दिग्गज कंपनी एचडीएफसी लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं। एचडीएफसी लाइफ मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अभी इंश्योरेंस सेक्टर में नंबर वन कंपनी है। अभी एलआईसी का आईपीओ लॉन्च होगा तो एलआईसी एक नंबर की कंपनी हो जाएगी। एचडीएफसी लाइफ वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। ये प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस में ये दिग्गज कंपनी है। ऑफर्स इंडिविजुअल ग्रुप इंश्योरेंस सोल्यूशन, ऑल प्रोडक्ट टर्म्स प्लान्स, वुमन्स एंड प्लान्स, सेविंग प्लान्स, इन्वेस्टमेंट प्लान्स, हेल्थ प्लान, चिल्ड्रन प्लान, ग्रुप प्लान्स, इनकी अलग अलग स्कीम्स है लाइफ इंश्योरेंस में। ये सभी प्रकार के इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। तो इंश्योरेंस में दिग्गज कंपनी है और ये शेयर अभी 30% डाउन चल रहे हैं, तो इस शेयर में अभी आप एंटर हो सकते हैं। अब देखिए एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, ग्रुप इंश्योरेंस, इंडिविजुअल इंश्योरेंस, अलग अलग टाइप के हर प्रकार के इंश्योरेंस ये प्रोवाइड करती है। ये कंपनी 2000 में स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं इस शेयर अभी पिछले 6 महीने में ये शेयर 31% डाउन चल रहा है, तो इस शेयर में अभी आप एंट्री ले सकते हैं। ये अभी अच्छी खासी प्राइस पे अवेलेबल है और इसमें अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, तो ऐसे करेक्शन पे आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। ये शेयर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ बना के देगा। ये शेयर अभी अभी लिस्ट हुआ है 4-5 साल पहले और ये इसका 52 वीक लो के आसपास चल रहा है। अभी इसका 52 वीक लो 520 रुपीज़ और 523, 3 रुपीज़ का डिफरेंस है। अभी 52 वीक लो के आसपास चल रहा है, अभी इसमें आप जरूर एंट्री ले सकते हैं। ये आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ बना के दे सकते हैं। आप देख सकते हैं ये शेयर 2017 में लिस्ट हुई है मार्केट में, इसका तब शेयर प्राइस चल रहा था 344 रुपीज़ और ये इतना कुछ भागा नहीं है। अभी तक इसने 5 सालों में बस 51% के रिटर्न अपने शेयर होल्डर को बना के दिए। ये कंपनी 775 800 को टच कर चुकी थी और ये अभी नीचे आ चुका है, अच्छा खासा गिर चुका है ये शेयर। ये आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ जरूर बना के देगा। ये ऐसे शेयर आप पिक करके जरूर रखना। आप देखिए ऐसे शेयर में एफ आई और डी आई बड़ी बड़ी क्वांटिटी उठा के रखते हैं। हम अभी देखेंगे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। अभी आप कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए, 1,10,000 करोड़ अभी भी मार्केट का कैपिटलाइजेशन चल रहा है। इतना शेयर गिरने के बाद भी 30% इसका फेस वैल्यू 10 है। ये फ्यूचर में आपको स्प्लिट बोनस दे सकता है। इसका 52 वीक लो है 520 रुपीज़, ये 52 वीक लो के आसपास चल रहा है। इसमें अभी 500 का ये सपोर्ट ले सक इसने सपोर्ट ले लिया है। अभी अगर ये 500 तोड़ता है तो ये अपना ऑल टाइम लो तो टच नहीं करेगा, ये ऐसा तो मुझे लग रहा है। और ये अभी अच्छी खासी एंट्री लेवल दे रहा है, तो आप इसमें जरूर एंट्री ले सकते हैं। इसका 52 वीक का है 775 रुपीज़, तो ये 800 के आसपास जा चुका था। ये शेयर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ जरूर बना के देगा। आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल इस शेयर को खरीदने की राय दे रहे हैं, तो आप देख सकते हैं दिग्गज ने भी इसमें शेयर खरीदने की राय दे दी है। अभी आप देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास है 53%, 53.77%, FIIs के पास है 30.45%, तो FIIs ने 30% इसमें एक्वायर करके रखा है। DIIs देखिए 6% और पब्लिक के पास कितना बचा है देखिए 10% भी नहीं, 9.67%, तो 10% भी शेयर होल्डिंग छोड़ी नहीं है इन्होंने। ऐसी अच्छी कंपनियों में पता रहता है, ये आज नहीं बढ़ा है तो ये लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ जरूर बना के देगा। ये वेल्थ डिस्ट्रॉयर तो नहीं है कंपनी, तो ये कोविड की वजह से थोड़ा नीचे चल रहे थे। आपको 2020 में चांस नहीं मिला अगर इस शेयर में एंट्री लेने का, तो अभी एंट्री लेने का चांस मिल रहा है, तो आप अभी एंट्री ले सकते हैं इसमें। ये आपको लॉन्ग टर्म में जरूर वेल्थ बना के देंगी, ये वेल्थ क्रिएशन कंपनीज है। ये ऐसी कंपनी में आप बने रहिए, पेनी स्टॉक के पीछे मत भागिए। अभी हम आते कंपनी के फाइनेंशियल पे। कंपनी का रिवेन्यू देखिए, 17 में 1,000 करोड़ का रिवेन्यू था और 18 में 32,000 करोड़ का रिवेन्यू, 19 में 38,000 का, 2020 में कोविड की वजह से 29,000 करोड़ का, और अभी 2021 में इनका रेवेन्यू देखिए कैसा जंप कर गया है, 71,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है इन्होंने, लगभग डबल किया है इन्होंने अपना रेवेन्यू अभी। और प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट में भी कंटिन्यूअसली ग्रोथ है, कोविड में भी ग्रोथ ही दिखाई दे रही है। इन्होंने कोविड में एक्सपेंसेस अपने कम किए होंगे इसलिए इनका प्रॉफिट दिखाई दे रहा है अच्छा। तो आप देख सकते हैं 17 से कंटिन्यूअसली नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है इनकी। 17 में 800 करोड़ का प्रॉफिट, मैं राउंड फिगर बता रहा हूँ आपको, आपको डिटेल में देखना है तो आप इधर ही देख सकते हैं ग्राफ। 18 में 1,100 करोड़ का प्रॉफिट, 19 में 1,200 करोड़ का प्रॉफिट, 2020 में 13,000 करोड़ का प्रॉफिट और 2021 में 1,360 करोड़ का प्रॉफिट। तो इस प्रॉफिट में भी कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी कंटिन्यूअसली ग्रोथ है, मगर ये शेयर अभी ये वॉर इन्फ्लेशन इसकी वजह से गिर रहा है। कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कंपनी आप पिक करके रखिए। ये शेयर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ बना के देगा। अभी 500 के आसपास चल रहे हैं, आप ये अगले 10 सालों में 5,000 को भी टच कर सकते हैं, तो आप इस शेयर में जरूर बने रहना। ये शेयर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ बना के जरूर देगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।